करते करते आ जाएगा। कहाँ गई है? कौन हो? निकलो मेरे घर से बाहर। पहले दरवाजा बंद करो, प्लीज दरवाजा बंद कर दो। क्यों कर दो गेट बंद? तुम बताओ कि मुझे हो कौन तुम और निकलो मेरे घर से बाहर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये गेट बंद कर दो। तुमसे बोला ना, मुझे बताओ पहले कि कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पहले आप ये दरवाजा बंद कर दो। लो कर दिया गेट बंद, अब मुझे बताओ कि तुम हो कौन और मेरे घर में क्यों घुसी आई हो। मेरे पीछे एक गुंडा लगा हुआ है, वो मुझे जबरदस्ती मेरे गांव से उठाकर लेकर आया है। वो किसी से मेरी जबरदस्ती शादी करा रहा है, प्लीज मुझे उससे बचा लो, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। गांव से बेला फुसला के लाया हूँ उस लड़के को, कच्ची कली है। और जो ये बूढ़ा है ना, उसकी शादी उससे करा देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं कच्ची कली दे रहा हूँ आपको, तो पैसे भी है ना, नगद चाहिए हाथों हाथ, क्योंकि पैसे के मामले में ना मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और आप जानते हैं मैं कैसा बंदा हूँ, समझे? चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ, लड़की बाहर ही बैठी है। ठीक है, मैं कैसे मान लूँ कि जो भी तुम बोल रही हो वो सच है? मैं सच बोल रही हूँ, मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ आपको? मेरी बात का यकीन करिए, मैं आपके घर आपकी मदद मांगने आई हूँ। यही पे है, मेरा शक सही था, लेकिन है कहाँ पे? यहाँ तो इतने सारे फ्लोर है। प्लीज मुझे बचा लो, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं उस गंदे दलदल में नहीं जाना चाहती, प्लीज बचा लो, मुझसे बहुत गलत गलत काम कराया। आवाज यहाँ से आ रही है, इसका मतलब ये भाई इसको छोड़ बन गया। चल तुझे मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए, यहाँ कैसे आई तू? चल। नहीं मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। क्या वो मना कर रही है? तो जबरदस्ती है क्या? कौन हो तुम और इसे कहाँ ले जाना चाहते हो? देखिए भाई साहब, मेरी पत्नी है ये, आप परिवार के मामले में ना बोले तो ये अच्छा है। मैंने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया तो रूठ के यहाँ पे चली आई। नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, ये कोई मेरा पति नहीं है, झूठ बोल रहा है ये मुझे जबरदस्ती मेरे गांव से लेकर आया है और यहाँ पे किसी आदमी को बेच रहा है, सौदा कर रहा है मेरा ये। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। ये तो मना कर रही है कि ये तेरी पत्नी नहीं है। अरे आपको ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है? मैं आपको बोल रहा हूँ ना भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरे और मेरे परिवार के बीच में ना आए तो ही अच्छा होगा। और तू ये क्या सुन रही है यहाँ पे? चल। जब इसने मना कर दिया कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसके साथ? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? चल। तुम्हें एक बार मैं सुनाई नहीं देता, मैंने बोला ना ये मना कर रही है, और इसकी इजाजत के बिना तुम इसे इस घर से बाहर तो क्या एक कदम भी दूर नहीं ले जा सकते, और तुम्हारी हरकतें देखकर लग रहा है कि ये बिल्कुल सच बोल रही है, तुम इसके साथ कुछ मदद करना चाहते हो। जब तुझे सच्चाई पता लग गई है ना तो ठीक है, तेरी आंखों के आगे से ना इसको खींच के धकेल के रगड़ता हुआ बाल पकड़ के लेके जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं मानेंगे। हाँ चल। मेरी नजरों के सामने से लेके जाएगा इसे, तो तुझे पता तो किससे बात कर रहा है? इंस्पेक्टर शेखर पंत। अब बता क्यों बेचना चाहता है इसे? देखिए साहब कुछ गलतफहमी हुई है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, आप मुझे गलत मत समझिए। सराफत गई तेल लेने, मुझे बता इसे क्यों लाया? बता। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने इसके माँ बाप से बात करके इसको गांव से शहर लेकर आया हूँ ताकि इसको रोजगार दिलाऊं, बस और कुछ नहीं है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है इसके साथ, आप समझिए बात को। झूठ बोल रहा है, इसने मेरे माँ बाप को बहला फुसला के मुझे यहाँ पर लेकर आया, इसने मेरे
पापा को बोला कि ये मेरे को नौकरी दिलाएगा, लेकिन यहाँ तो ये मेरा सौदा कर रहा था किसी आदमी से। देखिए साहब, मुझे इस आदमी से बचा लीजिए। ये शहर मेरे अनजान है, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरी उम्मीद आप ही है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए साहब, ये मेरा धंधा है, मैं ये काम करके मेरे को पैसे मिलते थे, इससे मैं ये काम करता था, पर मैं वादा करता है आपको आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा मैं, आप मेरे को छोड़ दो। इसके माँ बाप सीधे साधे लोग हैं, उनके विश्वास के साथ खेलकर उनकी लड़की के साथ ये कर रहा है तू, शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझे पता है जिस दलदल में तू इसे धकेलने जा रहा था उसके बाद इसकी हालत क्या होती? ये जिंदा तो होती लेकिन जिंदा होते हुए भी जिंदा लाश होती। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से समाज गंदा हो रहा है और तुम एक काला धब्बा हो समाज पर, कलंकित कर रहे हो समाज को। अरे किसी के भविष्य के साथ खेल रहे हो तुम, किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम, एक लड़की को बहला फुसला के उसकी इज्जत के साथ खेल रहे हो। अरे शर्म करो। खैर तुम्हें मैं चाहे जितना मर्जी समझा लूं, जितना मर्जी कुछ कह लूं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो तुम ये काम कर रहे हो, इस काम को करने के लिए जब तुमने पहला कदम उठाया था ना, उसी वक्त तुमने अपनी इंसानियत को मार दिया था, अपने जमीर को मार दिया था। और जिस इंसान का जमीर मर गया हो, ईमान मर गया हो, उसे समझा के कोई फायदा नहीं। तेरे जैसे बहुत से अपराधियों से मेरी मुलाकात हुई है और मुझे अच्छे से पता है कि तुझ जैसे अपराधियों को कैसे सीधा किया जाता है। ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बैठिया, अभी जिप्सी आएगी और तेरे को पकड़ के ले जाएगी। आप चिंता ना करें, मैं हूँ आपके साथ।